हेलो दोस्तों, सीएससी नॉटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण पाठक। दोस्तों, जब आप ऑनलाइन रोड टैक्स जमा करते हैं, कभी कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम के कारण या साइट में समस्या के कारण आपका टैक्स पेंडिंग स्टेज में चला जाता है, जिसके कारण आपका टैक्स जमा नहीं हो पाता है। सबसे पहले आपको उस पेंडिंग ट्रांजेक्शन को क्लियर करना होता है, तभी आप दोबारा अपना टैक्स पे कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पेंडिंग ट्रांजैक्शन को कैसे क्लियर किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेंडिंग ट्रांजैक्शन को क्लियर करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर टाइप करेंगे parivahan.gov.in। एंटर करते ही आप परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां पे आप ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। यहां से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टेट प्री पॉपुलेटेड होगा, आप आरटीओ सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप पे योर टैक्स पे क्लिक करेंगे, वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे और वेरीफाइड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे मैसेज शो होगा, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर पेंडिंग एट बैंक साइड, काइंडली क्लियर द ट्रांजेक्शन्स बिफोर अप्लाइंग फॉर फ्रेश एप्लीकेशन फीस। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल शो होगी जो पेंडिंग में है। आप इसे दो तरीकों से क्लियर कर सकते हैं। पहला, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के लास्ट 5 डिजिट होने चाहिए, और दूसरा एप्लीकेशन नंबर से। यहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेंगे, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप पेंडिंग ट्रांजेक्शन विंडो पर पहुँच जाएंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के लास्ट 5 डिजिट अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के लास्ट 5 डिजिट एंटर करेंगे, नीचे कैप्चा फिल करेंगे और शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास चेसिस नंबर के लास्ट 5 डिजिट अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ ट्रांजेक्शन नंबर अप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन नंबर या अप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे जो आपने पिछले विंडो से कॉपी या नोट किया है। यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे और शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन आईडी पे क्लिक करेंगे, नीचे चेक टू बैंक पे क्लिक करेंगे और कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मैसेज शो होगा, दिस ट्रांजैक्शन नंबर अगेंस्ट व्हीकल नंबर हैज़ बीन फेल्ड, प्लीज़ इनिशिएट न्यू ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन पेंडिंग की जगह फेल्ड हो चुका है, अब आप दोबारा टैक्स जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पेंडिंग ट्रांजैक्शन को क्लियर करने की। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।